इवनिंग स्टूडेंट्स, आप इस समय रूल्स ऑफ फार्मिंग फैमिली जेंडर प्रॉब्लम एक्सप्लेन जेंडर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आप आज रूल 5 और लास्ट रूल पढ़ेंगे। इस लास्ट रूल में क्या है, कंपाउंड नाउन के पुल्लिंग सूचक शब्द को बदल कर, यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए यहां पर कुछ कंपाउंड नाउन्स की लिस्ट हम दे रहे हैं, जिसमें पुल्लिंग शब्द जो होगा पुल्लिंग सूचक शब्द, उसको स्त्री लिंग सूचक शब्द में बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाया जाए। जैसे फादर इन लॉ में पुल्लिंग सूचक शब्द क्या होगा, फादर होगा, फादर इन लॉ में ससुर होता है, इसे हम मदर में चेंज कर देंगे, मदर इन लॉ मींस क्या होगा, सासू हो जाएगा। अब देखिए ब्रदर इन लॉ मींस क्या, साला भाई, जेठ होता है, देवर भी होता है, तो इसका जो स्त्री सूचक शब्द है सिस्टर, सिस्टर इन ला, अब सिस्टर इन ला मींस क्या होगा, साली होगा, भौजाई होगा। देखिए रूल 1 में हमने बताया था कि प्रत्येक मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का पेयर कपल नहीं हो सकता है, कपल नहीं हो सकता है, वो चीज यहाँ पर आ जा रही है। ब्रदर इन ला मीन्स साला हो रहा है, बहनोई हो रहा है, जेठ, लेकिन सिस्टर इन ला मीन्स क्या हो रहा है, ननद भी होता है, भौजाई भी होता है, साली, तो कहीं भी कपल की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। जेंडर के चैप्टर में इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए सन इन ला दामाद होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी वही बात लागू हो रही है। इसका पैरेलल जो शब्द है फैमिली जेंडर क्या है, डॉटर इन ला, तो सन इन ला मीन्स दामाद होता है, जबकि डॉटर इन ला मीन्स क्या होता है, पुत्र वधू होता है। अब बताइए अगर आप कपल समझते हैं मियाँ बीवी यानी पति पत्नी समझते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। तो जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर पैरेलल वर्ड्स होते हैं, ठीक ना। तो अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेप फादर। अब स्टेप फादर में जो पुल्लिंग सूचक शब्द क्या है, आपका फादर है, सौतेला पिता चेंज हो जाएगा, स्टेप मदर में यानी सौतेली माँ हो जाएगा। अब स्टेप ब्रदर, पुल्लिंग शब्द क्या है, ब्रदर, सौतेला भाई, तो क्या चेंजिंग होगी, पुल्लिंग शब्द है आपका ब्रदर, तो ब्रदर चेंज होगा सिस्टर में, सौतेली बहन। अब स्टेप सन सौतेला पुत्र, तो पुल्लिंग सूचक शब्द क्या है आपका सन, तो सन के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, डॉटर, सौतेली पुत्री हो गया। ग्रैंडफादर, दादा या पितामह, अब फादर क्या है पुल्लिंग शब्द, तो चेंज किए तो क्या हुआ, मदर यानी ग्रैंड मदर क्या हो जाएगा, दादी। अब ग्रैंड सन पुल्लिंग शब्द है सन, मींस क्या होता है, पोता, इसमें चेंज कर दिए डॉटर में, यानी ग्रैंड डॉटर यानी पोती। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैटरनल ग्रैंड फादर, ध्यान दें मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल और ग्रैंड के बीच में हाइफन लग रहा है परंतु ग्रैंड और फादर के बीच में नहीं लग रहा है। यहाँ उपशब्द क्या है, फादर, उपशब्द क्या है यानी पुल्लिंग सूचक शब्द क्या है, जो पुल्लिंग सूचक शब्द होगा वही मुख्य शब्द होगा, क्या होगा, नाना हो गया, यानी मैटरनल ग्रैंड फादर नाना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फादर को मदर में चेंज कर देंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर अर्थात नानी। अब चलिए मैटरनल अंकल, मुख्य शब्द हमारा क्या है,
मूल शब्द क्या है अंकल, मामा, तो क्या हो गया मैटरनल आंट, मामी, मैटरनल आंट क्या हो गया मामी। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द चेंज किया जा रहा है। आगे देखिए एडाप्टेड सन, पुल्लिंग सूचक शब्द क्या है सन, ठीक चेंज किया गया डॉक्टर ने, तो क्या होगा एडाप्टेड डॉक्टर, क्या हो गया दत्तक पुत्र से दत्तक पुत्री। बीवी गोड, बीवी गोड मुख्य शब्द है हमारा, पुल्लिंग शब्द है बीवी, एक प्रकार का ये बकरे की नस्ल होती है, तो बीवी गोड ठीक है ना। क्या हुआ नैनी गोड हो गया, क्या हो गया नैनी गोड हो गया, है उस नस्ल की बकरी हो गई। अब चलिए इधर की तालिका में बफैलो बुल, बफैलो बुल यहाँ जो पुल्लिंग शब्द है बुल है, इसे चेंज किया गया काउ में, क्या हो गया बफैलो बुल मीन्स भैंसा, तो ये क्या हो जाएगी भैंस हो जाएगी, इसे चेंज किया गया बुल को काउ में। अब चलिए बुल का, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है हमारा क्या है बुल है, बुल का मीन्स बछड़ा, यहाँ क्या हो गया काऊ का, काऊ का बन गया। अब चलिए बुल एलिफेंट, बुल एलिफेंट में बुल क्या है पुल्लिंग सूचक शब्द है, यानी मीन्स क्या होता है हाथी, इसमें चेंज कर दिया काऊ में। चेयरमैन, चेयरमैन में ऐसा कंपाउंड नाउन है इसमें हाइफन नहीं लगता है, तो क्या होगा मैन, इसमें पुल्लिंग सूचक शब्द है पुरुष सभापति, इसमें चेंज हो गया उमर में, का तो स्पैरो, का स्पैरो, तो का इसमें जो है पुल्लिंग शब्द है ठीक है, यानी पुल्लिंग सूचक शब्द है, तो इसे हम इसमें चेंज किए हैं में, तो नर गौरैया, तो उधर क्या हो जाएगा मादा गौरैया। डेयरी मैन, डेयरी मैन में मैन जो है पुल्लिंग सूचक शब्द है, हमने क्या किया मैन को मेड में चेंज कर दिया, मीनिंग क्या हो गई दूध बेचने वाला हुआ, तो उधर क्या हो जाएगा दूध बेचने वाली हो जाएगा। गॉड फादर, देखिए यहाँ भी हाइफन नहीं है, तो गॉड फादर में फादर क्या हुआ हमारा पुल्लिंग सूचक शब्द हुआ धर्म पिता, ठीक ना, यहाँ क्या हो जाएगा गॉड मदर यानी धर्म माता। अब ग्रेट अंकल, ग्रेट अंकल में मुख्य शब्द हमारा क्या है अंकल, ताऊ जी, ताऊ जी यानी बड़े पिता लोग कहते हैं बोलचाल में। अब चलिए ग्रेट आंट हो जाएगा यानी बड़ी ताई है ना, ये ताई जी है ठीक ना, यानी घर की बड़ी माँ। अब चलते हैं भाई बेगर मैन, बेगर मैन में मैन क्या है पुल्लिंग सूचक शब्द भिखारी, तो यहाँ क्या होगा बेगर वुमन यानी भिखारी। अब बोर्ड मैन, बोर्ड मैन में मैन क्या है पुल्लिंग सूचक शब्द मल्ला या नारे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हिंदी में इसका क्या बनाएंगे बोर्ड वुमन, तो हिंदी क्या मिलेगी मल्लाई बोलते हैं। अब चलते हैं बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में आपका जो है पुल्लिंग शब्द क्या है पुल्लिंग सूचक बॉय लड़का मित्र, तो बॉय को हम गर्ल चेंज कर दिए। फिशरमैन, फिशरमैन मछुआरा, अब यहाँ पर पुल्लिंग सूचक शब्द क्या है मैन है, इसे हम किसमें चेंज कर देते हैं ओवर मछुआरा से मछुआरी हो जाएगा। अब ही आए, तो ही आए में पुल्लिंग सूचक शब्द है ही, इसे हम इसका मतलब क्या होता है नर लंगूर, चेंज करते हैं किसमें सी में यानी मादा लंगूर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पुनः आगे मैं मैटर देता हूं। हाँ तो आगे देखें अगली लिस्ट में आपका पहला शब्द ही बियर, ही बियर इसमें जो है पुल्लिंग शब्द क्या है ही है, काम की जो आप देखें सारे शब्दों में पुल्लिंग शब्द क्या हो रहा है ही, ही तो ही का
ये नॉर्मल चीज है, बहुत कठिन नहीं है। सारे शब्दों से क्या बन रहा है, ये क्या है, पुलिंग सूचक शब्द, तो ही से क्या बन गया, सभी में जहां ही है वहां सी बनेगा, कमन रूल है। जिन मैस्कुलिन जेंडर में ही लगा है तो वही ही सी में चेंज हो जाएगा। अब रही बात मीनिंग की, तो ही बी एन इस नर भालू, शी बी एन इस क्या होता है, मादा भालू, ही कैमेन इस ऊंट, शी कैमेन इस क्या हो जाएगा, उटनी, ठीक ना। अब सी चिंपैंजी नर और मानुष, सी चिंपैंजी क्या हो जाएगा, मादा वर मानुष। और ही हेयर नर खरा, जंगली जो खरगोश होता है उसे नर खरा कहते हैं, शी हेयर हो जाएगा, यानी मादा खरा हो गया। ही हाउंड शिकार करने वाला कुत्ता होता है, जंगली नर शिकारी कुत्ता, तो शी हाउंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ही हाइना, यानी नर लकड़ बग्घा, शी हाइना, इट मीन्स क्या हो जाएगा, मादा लकड़ बग्घा। अब ही जाएगा नर सिया, क्या है ये, नर सिया, तो शी जाएगा, यानी मादा सिया हो जाएगा। ही कंगारू नर कंगारू, तो क्या हो जाएगा, सी कंगारू, मादा कंगारू। और ही मोर नर छछूदर, इसका क्या हो जाएगा, शी मोर, मादा छछूदर। अब आगे आता ही मांगूस नर नेवला, से क्या बोला, सी मांगूस, मादा नेवला। ही मंकी नर बंदर, तो क्या हो गया, शी मंकी, यानी मादा बंदर। ही माउस नर चूहा, अब इसका क्या बोल रहा है, शी माउस, यानी मादा चूहा। ही म्यूल मीन्स नर खच्चर, क्या बोल रहा है, शी म्यूल, यानी मादा खच्चर। नेक्स्ट वर्ड है ही आउल, यानी नर उल्लू, उल्लू पक्षी, तो क्या हो जाएगा, शी आउल। अब इधर के चार में आप देंगे, ही पैंथर नर चीता, तो शी पैंथर, मादा चीता। ही पोनी, ही पोनी, यानी नर टट्टू, ठीक है, यानी खच्चर की ये भी एक नस्ल होती है, तो क्या हो जाएगा, शी पोनी, मादा टट्टू। और ही पार्क्यूपाइन, पार्क्यूपाइन नर साही, तो उधर क्या हो जाएगा, शी पार्क्यूपाइन, मादा साही। ही रैट चूहा, तो शी रैट क्या हो गया, चूहिया। ही रिनोसेरास नर गैंडा, रिनोसेरास नर गैंडा, तो क्या हो जाएगा, शी रिनोसेरास, मादा गैंडा। ही शीप नर भेड़, तो उधर क्या हो गया, सी शीप, मादा भेड़। ही स्क्वायरल नर गिलहरी, तो क्या हो गया, सी स्क्वायरल, मादा गिलहरी। ही जेब्रा नर जेब्रा, सी जेब्रा, मादा जेब्रा। अब ही के अलावा कुछ और शब्द हैं, देखें जहां भी ही से मैस्कुलिन जेंडर बनेगा तो सीधा सीधा नॉर्मल रूल है, जनरल रूल है कि ही को हम सी में बदल देंगे तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। आपको बस पहचान करना है कि मैस्कुलिन जेंडर में जो पुल्लिंग शब्द है हमारा क्या है, तो ही जहाँ भी रहेगा वही पुल्लिंग शब्द होगा। अब इन शब्दों में आप देखेंगे नीचे पुल्लिंग शब्द हमारा है जय, जय कैस मिस गदा और जय मिस गरी हो गया। अब यहाँ लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड मिस गोस्वामी होता है, तो हमारा पुल्लिंग सूचक शब्द है क्या, लॉर्ड, तो लॉर्ड से क्या हो गया, लेडी। अब नेक्स्ट वर्ड है मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट, देखिए मैन सर्वेंट, अभी कुछ शब्द हम अभी बताते हैं आपको। मैन सर्वेंट, तो मैन से वुमन या मेड सर्वेंट
आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सर्वेंट क्या हो गया, कामन जेंडर में। इसी तरह से चार शब्द और हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ सर्वेंट पर हमारे तो ध्यान आ गया और ऊपर एक आयस है, ये देखिए आयस है, तो आयस और कहीं पर बियर होगा, ठीक है ना। कुल पांच शब्द ऐसे हैं, कौन कौन, बफेलो और बियर, गोट, आयस, सर्वेंट। क्या सुने आप, बफेलो है, बियर है, गोट है, आयस है और सर्वेंट। मॉडर्न इंग्लिश में अब ये कॉमन जेंटलमैन माने जाते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश के पैटर्न पर भले बना दिया गया है, लेकिन ये पांच शब्द जो है आपके बफेलो, बियर, गोट, आयस और सर्वेंट क्या हो चुके हैं, कॉमन जेंटलमैन माने जाते हैं। तो चले यहाँ पर तो हम मैन का उमर या का मेल एम आई डी मेट लगा करके जरूर हम बना देते हैं कि नौकर से नौकरानी हो गया, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये सर्वेंट क्या हो गया है, कॉमन जेंडर में रखा गया है। इसी तरह एस क्या है, कॉमन जेंडर में है। और आपका जो है गोड, गोड जो शब्द आ चुका है ऊपर वाली झा, यहाँ बियर आया, देखिए बियर शब्द आया है, ये भी कॉमन जेंडर में। यहाँ गोड शब्द जो आया है कॉमन, तो चार तो इसी लिस्ट में मिल जा रहा है। बफेलो जो है आपकी ऊपर वाली लिस्ट में है, ठीक है ना, चार यही मिल गए, कौन कौन, गोड मिल गया, बियर मिल गया और आपको आयस मिल गया और सर्वेंट। और बफेलो क्या है, ऊपर की लिस्ट में है। ये पांच शब्द ऐसे होते हैं जो कॉमन जनरल में आजकल माने जा रहे हैं। मिल्कमैन से, मिल्कमैन क्या हुआ, वाला हुआ, तो इसमें जो पुलिंग शब्द है आपका, पुलिंग सूचक शब्द है, मैन है, मैन का क्या हम कर दिए, उमन कर दिए। पीकॉक, और पीकॉक जनरली हम लोग पिकॉक की स्पेलिंग मिला करके ही याद करते हैं और लिखते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो अलग अलग हाइफन लगा होना चाहिए। पीकॉक, कॉक क्या है, पुलिंग सूचक शब्द है, तो इसे हम हेन में चेंज कर देते हैं। मोर से क्या हो गया, मोरनी। अब स्कूल मास्टर देखे, तो इसमें जो मास्टर शब्द है पुलिंग सूचक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल मास्टर का मतलब शिक्षक, और स्कूल मिस्ट्रेस हो जाता है यानी शिक्षिका, मास्टर से क्या होता है, मिस्ट्रेस बन जाता है। अब स्पोक्स मैन है, स्पोक्स मैन का मतलब अधिवक्ता होता है, और मैन क्या है, पुलिंग सूचक शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, उमन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाउन जेंडर का के अंतर्गत मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम के तहत ये अंतिम रूल था। अब आगे अगला जो क्लास होगा आपका नाउन फंक्शन एंड एप्लीकेशन पर होगा। तो आज तक जो भी वीडियो हमने उपलब्ध कराया है और वीडियो के माध्यम से जो मैटर उपलब्ध किया है, उसका अब फंक्शन आप देखेंगे अगली वीडियो में, कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। किसी भी टीचर का अपना टेक्निक होती है पढ़ाने की, अगर आप सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से प्राप्त हो, तो संभव नहीं है। अपना एक प्रोजेक्ट है पढ़ाने का, तो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है, मैटर आपको पहले उपलब्ध किया, अब इसका हम फंक्शन और एप्लीकेशन बताएंगे, उसके बाद उस पर पूछे गए क्वेश्चन को बताएंगे। यदि आपको मैटर पसंद आता है, टीचिंग टेक्निक पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य लिखें। थैंक यू। अब आगे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए।